अमेरिका में गर्मी बढ़ी तो न्यूयॉर्क के मेयर ने खुद को ठंडा रखने के लिए घर का एसी कार में लगवा लिया। हेलो, ऐसे जानवर होते हैं जिनके पांव जलने लगे तो अपने बच्चे पैरों थले ले लेते हैं। क्या तबसरा है जी साहब? देखो ना यार, उसने अपने आप को ठंडा करने के लिए घर का एसी पुट के गड्डी में लगा लिया है। घर बच्चे बेचारे गर्मी से तड़फ रहे होंगे। मेरे पास इसकी तस्वीर भी है, दिखाऊं? दिखाओ यार। ये देखो, डिगी खोल के दिखा भी रहा है कि ये देखें एसी फिट हो गया। और मिस्त्री मेरा ख्याल है रिमोट पकड़ के उसकी बात तेज कर रहा है। इस मिस्त्री ने इसे मत दी होगी, लगवा लो एसी, कोई ऐसी बात नहीं। गड्डी आपकी में नलका भी फिट हो सकता है। अगर आपको साल में एक आधी दफा नहाने की जरूरत पड़ी तो गड्डी में ही नहा लेंगे, फिक्र ना करें। उसके बाद अगर सुई गैस की जरूरत हुई तो वो भी गाड़ी में फिट कर दें। अमरीका में भी गैस सुई गैस ही है। सुई गैस ही होती है, उधर क्या मोई गैस होती है। चले अगली तस्वीर देखें, ये लें। वाह जी वाह, वो देखो नीचे बैठ के लोग फोटो खिंचा रहे हैं और ऊपर से कुछ लोग उन पे पानी फेंक रहे हैं। इसे कहते हैं क्विक सर्विस। वो पहले होता था ना, फोटो दो दिन में धुलवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया एक दिन में धुलवाएं, फिर आ गया एक घंटे में धुलवाएं, अब आ गया फोटो खींचते ही धुलवाएं। ये फोटो वाले लोग जब बुढ़े हो जाएंगे ना तो अपने दोतरों पोतरों को दिखाएंगे कि पुत्र ये जड़ा बहुता भिजे है ना, ये मैं। दादाबू आप क्यों ज्यादा पिंज गए थे? बेटे मेरे दाएं बाएं दोनों बंदे गंजे थे, सारा पानी उनकी टिंड से तिलक के मेरे ऊपर आ गया था। चले जी साहब अगली तस्वीर देखें। दिखाएं जी, दिखाएं। ये ले। हैं, ये स्पाइडरमैन बैठा हुआ सीढ़ियों पे जी। हाय हाय हाय, मेरा हाल पाकिस्तान आया बेचारे का पेट्रोल गैस मुक गई है तो पौड़ियों में बैठा हुआ बेचारा, बैठ के सोच रहा है बूढ़ू कैसे, ना बिजली ना गैस, कोई कन्नी दे दे मुझे। अब्बा कहता रहा है पुत्र पाकिस्तान जा रहे हो तो कमर पे यूपीएस बांध लो। नहीं अब्बे की सुनिए, अब खजल हो रहा हूं। कहां मैं सारी दुनिया में उड़ता फिरता था, पाकिस्तान पहुंच के अब बंस रोड से कमाड़ी जाने के लिए अड़ीक रहा हूं वैगन। पता नहीं कब वैगन आएगी, कब वहां पहुंचूंगा। ऊपर से जेब में किराया भी कोई नहीं, भूखा मर गया हूं मैं। दूसरे मुल्कों में तो उड़ता फिरता था, उड़ते उड़ते दरख्तों से अमरूद तोड़ के भी खा लेता था, कोठियों से कबूतरों का बाजरा खा जाता था। अब यहाँ पे सड़कों सड़की पता नहीं किधर किधर खजल होना पड़ रहा है। अम्मा कहती रही पुत्र स्पाइडरी छोड़ दे, एसी फ्रिजों का काम सीख ले। मगर वो भी सीखा होता तो पाकिस्तान में किस काम का, ना यहाँ पे बिजली है, एसी फ्रिज चलता ही नहीं तो ठीक किसने कराना था। अच्छा जी सब बस करें, बगली तस्वीर देख लें। दिखाएं जी, दिखाएं। शाबाश, गैस पेट्रोल वाली बात फिर आ गई ना। ये मेरा ख्याल है किसी अजीजी ने अपनी बीवी से पेट्रोल के पैसे मांगे हैं और बेगम साहबा ने गुस्से में उसकी गड्डी कूड़ेदान में फेंक दी। उतरिया रोई तेरी गड्डी 1000 रुपया खा जाती है, मेरे बच्चे भुखे मरने ने, दफा कर इस गड्डी नू। या मेरा ख्याल है गुस्से में गाड़ी ने खुद ही फैसला किया है। कई दिन हो गए हैं मेरे पेट में ना पेट्रोल ना CNG, कूड़े से ही कुछ ढूंढ के खा लू, भुखी मर गई हूँ मैं। अच्छा जी साहब, मैं अब आपको वीडियो क्लिप दिखाने लगी हूँ, उन छोटे छोटे क्लिप्स पे ना दो दो जुमले इनायत फरमा दीजिएगा। जी जी, अभी फरमाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लें, देखें। वाह जी वाह, अल्लाह फाड़। बहुत अच्छे, कार से बेचारा पैंट शर्ट पहन के जैकेट पहन के सिर पे टोपी रख के आया था, इधर दोस्तों के सामने बेइज्जत हो गया। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरे मुर्शिद पाक वाला हाल हुआ इसका। मुर्शिद कहां से आ गया? गौर तो करो, देखो यारा, खत लिखूं या ना लिखूं, बाहर निकल जाऊं या वापस कश्ती में आ जाऊं, और गड़ाज बेच अल्लाह फाड़। ये देखें अगली। हाय हाय हाय, अंग्रेजों के बच्चे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं। उसने सोचा होगा अब्बा आप सिगरेट भी पीना थे, काफी भी थे, सानू सिर्फ फीडर ते लाया ही। अल्लाह फाड़, हमें तो बड़ा कहते हो, दाग तो अच्छे होते हैं, हुन पता लग गई। नेक्स्ट देखें अजी साहब। हाय 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 हाय, यार ये गौर करो, छोटे से जानवर ने किडेड़े भाई को अगे लगा दिया। जिस तरह अफगानिस्तान ने नहीं अमेरिका को तिगड़ी का नाच नचा दिया,
इसी तरह देखो ये चूहे जितने जानवर ने एडे एडे बनमानस का हाय 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 तेरा बेटा तर गया मगरों लाई जा। अगली भी कुछ ऐसी है अजीज साहब, ये देखें। आई लव वो देखो यरा वो पेडू का तूड़ी दाना लफड़ वो कुत्ता बार बार खा रहा है, पेडू से समझा रहा है कि ना हमें मेरे तूड़ी दाने में कोत खाना खिला रहे। भाई तूड़ी दाना खा के भी तुमने वो ही करना है, या तो है ना फिर बै बै करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि एक ताकतवर को अगर अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता तो उसकी ताकत बेकार है। वही मेरे वाला साहब। हालांकि मुझे पता भी है मेरी केक के दर से उधर पहुंच जाती है, मगर नहीं मैं चुप कर रहा था। नाज़रीन आप देख रहे थे आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।